हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक। तो आज हमारा ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। आज हम सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस पिछले साल और उससे पहले मतलब बोर्ड्स में आ चुके हैं इस चैप्टर से, ठीक है। हम मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे 1 मार्क के, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसका आंसर है 50। ये मैंने आपको उसमें ही बताया है अपनी सेकेंड वीडियो में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस द बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल चेंज। मतलब किस सर्कमस्टांसिस में आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई दिल्ली 2015 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये जब चेंज होता है आपका फिक्स कैपिटल, जब ही चेंज होता है जब आप उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड करते हो। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपका फिक्स कैपिटल वही रहेगा, फिक्स कैपिटल चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। इन द एब्सेंस पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होगी जब किसी पार्टनर्स ने, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना पड़ता है वो कितने परसेंट होता है, वो होता है 6% पर एनम। ये क्वेश्चन आपका आया है ऑल इंडिया 2015 में, ठीक है। अब एक और देखते हैं, बी रिव्यू ₹1,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31st March 2019, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अगर को बी ने कितने हर महीने 9 महीने तक उसने ड्रॉइंग्स किए, बी ने कितने रुपीज की है, 8,000 उसने हर महीने के एंड में ली है। तो 9 महीने करेगा तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई उसकी 72,000 की, उसका रेट कितना है 10% का, ठीक है। अब देखो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जब वो हर महीने के एंड में ड्रॉइंग्स करेगा तो पहली ड्रॉइंग उसने कब की होगी, उसने पहली ड्रॉइंग 30 अप्रैल को की होगी, ठीक है। जब उसने पहली ड्रॉइंग 30 अप्रैल को की होगी तो उसके पास 30 अप्रैल से लेके 9 महीने तक, 30 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक उसने ड्रॉइंग की है। तो उसने पहली ड्रॉइंग कब की होगी, 30 अप्रैल को। जब उसने पहली ड्रॉइंग 30 अप्रैल को की होगी तो उस पर कितने महीने बचे, 8 महीने बचे उसके पास, क्योंकि उसने टोटल 9 महीने ड्रॉइंग की है, ठीक है। और फिर उसने लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी उसकी, 31 दिसंबर को। और जब उसने 31 दिसंबर को ड्रॉइंग की तो उसमें महीने नहीं बचे एक भी, क्योंकि यहाँ पे उसने बस 9 महीने ड्रॉइंग की है, ठीक है। तो आपका एवरेज पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/12। नीचे हमेशा 12 ही लिखा जाता है, चाहे 9 महीने हो, चाहे 3 महीने हो, चाहे 4 महीने हो, है ना। ये एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन में 2, ऐसे करके आपका एवरेज पीरियड निकलता है। यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचा था आपके पास, 8 महीने का, और लास्ट ड्रॉइंग उसने की थी 31 दिसंबर को, उसके बाद उस पर कोई टाइम नहीं बचा, तो 1/2 कर देंगे आपका 4 आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 6 और ये आ जाएगा आपका 2400, ये आ गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2400। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके 1 मार्क्स के, ये आपके फिलअप्स में, चाहे एमसीक्यू में, चाहे ऐसे ही सॉल्व करेंगे के, ये आपके कैसे भी आ सकते हैं। अब हम देखते हैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में। अब देखो 3 और 4 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आके, एक क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ए और बी का रेशियो कितना है, 5:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2017 वर ए की फिक्स कैपिटल कितनी है, 60,000 की, और बी की फिक्स कैपिटल कितनी है, 80,000 की। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 12,600। और इसमें हमें करना क्या है, बस जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन आपका है सीबीएसई 2019 में।
ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेगा। इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो आपको जर्नल एंट्रीज किसकी पास करनी होगी, जो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की है उसकी उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। और क्या कहते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करनी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखाई है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, यहाँ पे ए की, ए की तो ए की कैपिटल कितनी की 60,000 की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वेट कितना है आपका 12%, तो 60,000 का 12% आपका हो जाएगा 7,200। हम बी की निकालेंगे, बी की कैपिटल कितनी की 80,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, 12 एग्जाम करेंगे आ जाएगा हमारे पास 9,600। ये हो गई 7,200 और 9,600 ए और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो सबसे ये चीज आपको वर्किंग नोट में दिखानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के, सीधा एंट्री पास नहीं करनी, ठीक है। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट की अलाउ करेंगे, और जब अलाउ करके तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट तो डेबिट होता है, और जिन पार्टनर्स को देनी होगी उनका अकाउंट। अब हम बनाएंगे इसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी टोटल कितनी आ रही है, 7,200 ए की और 9,600 बी की। तो 7,200 और 9,600 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 16,800। लेकिन हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास बस 12,600 का। तो जो हमारे पास प्रॉफिट की 12,600 का है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतनी 16,800 कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो जब ये केस होता है, जब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी बोल लो या फिर इमिग्रेशन बोल लो, जो भी चीज़ें आ रही है पार्टनर्स को देने के लिए, वो हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा होती है, तो पार्टनर्स को दी तो जाती है, लेकिन वो किस रेशियो में दी जाती है, वो दी जाती है हमारे पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। अब एप्रोप्रिएशन क्या होता है, मान लीजिए किसी पार्टनर की सैलरी है 10, या एग्जांपल लेके 10 रुपये की सैलरी है, उस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 20 रुपये का, ये हो गया ए। अब बी की सैलरी कितनी है 50 रुपये, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया हमारे पास 40 रुपये का, ठीक है। तो ए का टोटल कितना हमें देना है 30, और बी का हमें कितना देना है 50 और 40 90, ठीक है। तो अब इसको काट के जो रेशियो आएगा, इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन का रेशियो, तो कितना आ जाएगा आपका 1:3। तो हम पार्टनर्स को इस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, मतलब प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं, इस रेशियो में हम वो चीज़ें देंगे जो हमें देनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, देखते हैं, 16,800 की हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आ रही है, हमारे पास प्रॉफिट कितने का आ रहा है, प्रॉफिट कितने का दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है 12,600 का, ठीक है। अगे को ए की कैपिटल कितनी की आपके पास 7,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को कितनी देनी है 9,600। तो हम इनका रेशियो निकालेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3:4, ये आ गया हमारे पास 3:4 ए और बी का एप्रोप्रिएशन रेशियो। अब जितना भी प्रॉफिट है हमारे पास 12,600, उस 12,600 को ही हम 3:4 में बांटेंगे। अब इस 16,800 से हमें कोई मतलब नहीं है, जो उनकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गई है ए और बी की, क्योंकि हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है जो हम ए और बी को इतनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे गए। तो जितना हमारे पास प्रॉफिट है वो हम इनको काट पीट के उस रेशियो में दे देंगे, जितनी इनकी एप्रोप्रिएशन का रेशियो आ रहा है। तो इसकी एंट्री बनाएंगे, अलाउ करेंगे हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि करेंट अकाउंट इसलिए आएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है उनकी फिक्स कैपिटल है, टू बीज करेंट अकाउंट। कितना बांटना है हमें, 12, ये क्या कहते हैं, प्रॉफिट कितना हमारे पास 12,600, ठीक है। अब 12,600 को हम 3:4 में डिवाइड करेंगे, और ये 7:4 आएगा 7, और ये हमारे पास तो आप क्या कहते हैं पॉइंट में आएगा, हमारी ए की कितनी हो जाएगी, ए की हमारी हो जाएगी ये 5,400, और हमारे पास बी की आ जाएगी, बी की आ जाएगी 7,200, ठीक है। तो ए की हम यहाँ पे लिखेंगे 5,400 और बी की लिखेंगे 7,200, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर्स को देंगी भी, तो है तो हम देंगे कहाँ से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम करेंगे डेबिट टू
क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का हम लिखा जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12,600 और 12,600। तो यहाँ पे वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है CBSE 2019 में, और ये क्वेश्चन आपका आएगा किंग मार्क्स का। ठीक है, अब हम देखते आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख के, ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है एग्जाम में CBSE दिल्ली 2013 में। MNNP आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे कंट्रीब्यूटेड ₹50,000 ईच एज कैपिटल, मतलब उन किंगों की कैपिटल कितनी है, 50,000 किंगों ने कंट्रीब्यूट किए कैपिटल के। द नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 ईयर्स वर ₹15,000, 25,000, 50,000। किंग साल का नेट प्रॉफिट दे रखा है पिछले किंग साल का। उसी बीच मोंगा यहाँ पे मोंगा नोटिस गेट प्रॉफिट्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। मोंगा ने देखा कि प्रॉफिट्स 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। हाउ डिसएग्रीड टू दिस एंड सेड देयर इज नो पार्टनरशिप डील, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। MNNP पार्टनर्स के, उन किंगों ने 50,000 की कैपिटल लगा रखी थी अपने फर्म में। ठीक है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 15,000, 25,000 और 50,000। मोंगा ने नोटिस किया कि जो प्रॉफिट बांट रहे 3 साल से, वो बांट रहे 1:1:2 में, जबकि पार्टनरशिप डीड कोई है नहीं फर्म में, कोई रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कितने रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, फिर भी वो लोग 1:1:2 में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज मोंगा ने नोटिस की, इसमें डिसएग्री किया है मोंगा ने। तो अब हमें इसे करनी है पास, इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ये आया हमारे पास CBSE दिल्ली 2013 में। ठीक है, देखो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाता है, प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में तुमने प्रॉफिट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो। लेकिन यहाँ पे डीड ना होके भी 1:1:2 में बांटा जा रहा है, तो हम सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट की पास करेंगे। उससे पहले हम इसकी बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट गलत बांटा है तीन साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15, 25 और 50, ये तीनों मिला के हो जाएगा मेरे पास 90,000। ठीक है, तो जो हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया है वो हम सबसे पहले पार्टनर्स से वो प्रॉफिट वापस लेंगे। तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। अब यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे प्रॉफिट जो रॉन्गली गलत हमने प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया है पार्टनर्स अकाउंट में, उसे हम वापस डेबिट कर लेंगे। तो कितना है, 90,000 है, 90,000 को हम 1:1:2 में बांटेंगे। तो एम का कितना आ जाएगा, 1:1:2 हो जाएगा 4, 4 2 जा 1, और ये हो जाएगा 5। ये आ जाएगा एम का हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट गलत जो हमने बांटा था 22,500। ठीक है, हमारे पास एन का कितना आ जाएगा, एन का भी हमारे पास आ जाएगा 22,500, क्योंकि उसका भी 1:1:4 है हिस्सा। ठीक है, पी का हमारे पास कितना आ जाएगा प्रॉफिट 45,000 का, क्योंकि टोटल मिला के हमारे पास 90,000 हो जाएगा। ये फर्म का हो जाएगा फायदा और ये पार्टनर्स का हो जाएगा नुकसान, तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ये। ठीक है, अब जो हमें सही प्रॉफिट बांटना है हम वो सही प्रॉफिट बांटेंगे। प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, तो कितना है 90,000, उसको इक्वली बांटने का, कितना कितना बच जाएगा 30,000 और 30,000। ये हो जाएगा मेरे पास इक्वली प्रॉफिट, सही तरीके से बट गया। अब हम इसको डेबिट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, 22,500 में से 22,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7,500। इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी 7,500 बचेगा हमारे पास, और 45,000 इसमें से करेंगे तो हमारे पास बचेगा 15,000। ये हमने पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट किया था, क्योंकि उनके उनके पास से हमने प्रॉफिट गलत जो भाग दिया था वो वापस लिया है। ये हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा क्रेडिट का और ये आ जाएगा डेबिट का। तो हमारे पे एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री, इसकी जो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बन जाएगी हमारे पास पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट।
यहाँ पे आ जाएगा 15,000, 7,500 और 7,500। इसका फॉर्मेट हो गया जंगल एंट्री बनाने का, पूरी टेबल बन की है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको पूरा फॉर्मेट बना के टेबल बना के एंट्री कराऊंगी, क्योंकि बिना फॉर्मेट के आप एंट्री करोगे तो आपको एंट्री अगर 2 मार्क्स की होगी तो उसमें बस 1 ही मार्क्स मिलेगा फॉर्मेट के नंबर कट के, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री इसकी पास इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर कुछ नहीं दे रखा था कि पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल है या फिर कौन सी कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के चल के अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा। अब हम एक और क्वेश्चन देख के और फिर ये वीडियो खत्म करेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स वर 30,000, 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। उनकी इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलनी है, 5% पर एनम, ठीक है। इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू ग्रो अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। बी को हर महीने कितनी सैलरी मिलनी है, 500 की, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी बी की, 12 से हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी हो जाएगी 6,000 की पूरे साल की सैलरी, ठीक है। सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेएबल टू बी। मतलब सी को कमीशन देंगी है 5% प्रॉफिट्स पे। अब वो कैसे देंगी है, आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेएबल टू बी। मतलब जो भी हमारे पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की माइनस करने के बाद, लेकिन जो सैलरी है उस, जो बी को सैलरी देनी है वो सैलरी देने से पहले हमें उस प्रॉफिट का 5% निकाल के सी को देना है। मतलब सीधी सीधी बात है, जितना प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, उसके बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में से सी को 5% सैलरी देनी है, कमीशन देनी है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। हमें क्या करनी है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और ये क्वेश्चन आया है दिल्ली 2010 में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कैसे करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी और सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है हमें कितने परसेंट, 5%, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सब हमें वर्किंग नोट में दिखाना है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ए की निकालेंगे। ए ने कैपिटल कितने की लगाई है, ए ने कैपिटल कितनी लगाई है, ए की कैपिटल है हमारे पास 30,000 और कितने परसेंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5%, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1,500, ये आ जाएगी आपकी ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम बी की निकालेंगे, बी ने कितनी लगाई है 20,000, 5% निकालेंगे ये आ जाएगी आपके 1,000, ये आ जाएगी आपकी बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितनी है सी की, सी ने कितनी लगाई है 10,000, 10,000 का 5% निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 500। तो ये तो टोटल होगी आपकी तीनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है, बी को सैलरी देनी है 500 पर मंथ, तो बी को 500 पर मंथ सैलरी देनी है, वो तो आप सीधा सीधा जब भी लिख देंगे एडजस्टमेंट टेबल में 12 को 500 से मल्टीप्लाई करके 6,000, ठीक है। अगे को सी को कमीशन देनी है हमें 5%, ठीक है। अब जो सी को कमीशन देनी है हमें 5%, वो इंटरेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। मतलब जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटने के बाद हमें सी को कमीशन देनी है और उसमें से सैलरी कटिंग ही होनी चाहिए, मतलब सीधे सीधे जितना प्रॉफिट है उसमें से हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी पार्टनर्स की बन हुई है उसको माइनस कर देंगे। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 30,000 का, यहाँ पे वर्किंग नोट 2 लिखेंगे और यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखेंगे सीज कैलकुलेशन ऑफ सीज कमीशन, ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट कितना दे रखा है 30,000 का, तो कितना हो जाएगा 30,000 माइनस टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ रही है 1,500, 1,000, 2,500, 500 हो जाएगी आपके पास 3,000 माइनस 3,000 इंटू कितने परसेंट देंगे कमीशन सी को 5%, ठीक है। तो ये 5% जीरो है,
हंड रहेगा नीचे की 30,000 माइनस 3,000 27,000 का हमें 5% देना है सी को कमीशन। ठीक है, तो हम निकालेंगे 27,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास सी की कमीशन आ जाएगी हमारे पास 1350 करीब आ जाएगी हमारे पास 1350। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देखिए 27, 5 7 35, 5 2 10, 11, 12, 13, 1, 35 और 0 ये आ गई आपके पास 1350 आ गई हमारे पास सी की कमीशन। अब हम इसकी बना के एडजस्टमेंट टेबल, देखो एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम इसकी। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोल क्या रखा था, क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा था कि जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उन लोगों ने गलती क्या की है, उन लोगों ने क्या किया है जो प्रॉफिट है किसे जाकर डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, कैपिटल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेकिन उनका रेशियो तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2:2:1 दे रखा है, लेकिन उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किस में कर दिया, कैपिटल के रेशियो में, यानी 30,000, 20,000 और 1, यानी हो गया 3:2:1 में उन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ के हमें करना था 2:1 में, ठीक है, और वो भी डिस्ट्रीब्यूट को कर दिया, सो कर दिया वो भी बिना ये सब चीजें गिए, ना होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ना सी की कमीशन की और ना ही बी को सैलरी की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मंगाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर्स ए बी सी में आ जाएगा टोटल, ठीक है, ए बी सी और टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट क्या करके गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स को उनके कैपिटल रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में, तो वो हम वापस लेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड हम करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट। सबसे पहले जो हमने गलत बात किया वो वापस कर लेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना गिर रखा है, क्वेश्चन में प्रॉफिट हमारे पास गिर रखा है 30,000 का, ठीक है। अब जो हमारे पास 30,000 का प्रॉफिट गिर रखा है उनका कैपिटल का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2:1 आ जाएगा, क्योंकि 30,000, 20,000, 10,000 है तो 3:1 आ जाएगा, 30,000 को हम 3:1 में बांटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक है। ये तो हमने जो गलत प्रॉफिट बात किया था वो प्रॉफिट वापस ले लिया। अब हम यहाँ पे हैगिंग डालेंगे अप्रोप्रिएशंस, अप्रोप्रिएशंस टू बी मेड, हमें जो अप्रोप्रिएशन यानी जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन वगैरह देंगी है वो, तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी की पार्टनर्स को, तो वो हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कितनी कितनी निकल के आएगी, 1,500, 1,000 और 500, टोटल कितना आया था आपके पास 3,000 का। फिर हमने बी को सैलरी नहीं दी की, बी की सैलरी हमारे पास कितनी निकल के आएगी, बी की सैलरी कितनी की पर मंथ की हमारे पास, बी की सैलरी कहाँ गई, बी की सैलरी की हमारे पास पर मंथ की 500 रुपये साल की कितनी हो जाएगी आपके पास 6,000, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपके पास टोटल में 6,000। तीसरा हमें सी की कमीशन देनी है, सी की कमीशन भी हम उस सी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो सी की कमीशन हमारे पास पीछे हमने निकाली की अभी कैलकुलेट की कि तो सी की कमीशन कितनी निकल के आई कि हमारे पास 1,350 और ये भी हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास सारी जो हमें अप्रोप्रिएशन करनी की वो। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना था, अब भी तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचा बांटने के लिए, ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट था कितना, हमारे पास प्रॉफिट था 30,000 का, ठीक है, उस 30,000 में से हमने इंटरेस्ट कम कैपिटल देगी, 3,000 सैलरी देगी और कमीशन देगी, तो उस 30,000 में से हम ये तीनों चीज माइनस करेंगे, माइनस करके जो हमारे पास बचेगा वही तो हम पार्टनर्स को प्रॉफिट के उसमें देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास टोटल प्रॉफिट 30,000 का कितना हो जाएगा, हमें जो माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600 और ये 1,350, तो ये टोटल मिला के हमारे पास हो जाएगा 10,350, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रॉफिट था 30,000 उसमें से 10,350 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास बचेगा 19,650 का, जो हम बांट देंगे डिविजिबल प्रॉफिट
और ये हम करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट। और ये किस रेशियो में करेंगे, 2:2:1 जो रेशियो क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। और ये हमारे पास कितना बचा, 19,650 को हम 2:2:1 में बांटेंगे तो हो जाएगा 5 3 50 4 6 5 45 1 3 0 और ये हमारे पास आ जाएगा 7,860 हमारे पास आ गई ए की। बी की भी हमारे पास 7,860 आ जाएगी क्योंकि बी की भी 2:2:1 का रेशियो, ठीक है। सी की हमारे पास आ जाएगी 3,930, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 19,650, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सारी एडजस्टमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बचेगा पार्टनर्स के पास। पार्टनर्स के हमने डेबिट कितना किया था, ए के में 15,000, क्रेडिट कितने का किया हमने, 1,500 और 7,860 और 7,860 और हमने कितना किया था, 1,500, तो इसको हम ऐड करेंगे और कितना बचेगा, 6 और 1 13 और 1 9, ठीक है। तो 15,000 में से हम 9,360 घटाएंगे तो हमारे पास ए के अकाउंट में बचेगा 5,640 और ये आएगा डेबिट का, ठीक है। अब 10,000 और ये हमने इसके अकाउंट में क्रेडिट कितना किया है, 7,860, 1,000 और 6,000, तो 60,000 ये हमारे पास जाएगा, 14,860। 14,860 में से हम 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4,860 और ये हमारे पास आ जाएगा ये क्रेडिट का, ठीक है। अब ये कितना बचा हमारे पास, 513,350 तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,930,1,350 0 और 1 और 9 12 और 5 17 3 4 5 5,780 और ये कितना है, 5,000 के उसमें से माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा, 780 क्रेडिट का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जर्नल एंट्रीज की क्या बनेगी। हमारे पास जर्नल एंट्री कब आप बनाई लोगे, तो हम यहाँ पे बनाएंगे जर्नल एंट्री। हमारा डेबिट क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है ए, डेबिट हो रहा है बी और सी हमारा हो रहा है क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि फिक्स अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे कि यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे हम, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए का डेबिट, बी और सी का क्रेडिट। ए के में कितना लिखेंगे, हमारे पास कितना आया था, 5,640, ठीक है। और बी के में कितना आया था, 4,860 और सी के में कितना आया था, 7,80, ठीक है। ये आया था हमारी, ये बनगी हमारी जर्नल एंट्री। ये कैलकुलेशन की है मैंने अलग, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री खत्म। ऐसी क्वेश्चन आके आपके इस चैप्टर में से, और कोई क्वेश्चन और किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं आता, ऐसी क्वेश्चन आके आपके इस चैप्टर में से, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और मैं इन क्वेश्चंस की सारी PDF बना के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कल से हम शुरू करेंगे हमारा इसका पार्टनर अकाउंट्स की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर जो कि है गूगल। कल से हम गूगल शुरू करेंगे, ठीक है। और जब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।